दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए दो ऐसे वेबसाइट्स लाया हूं बिना सिबिल के आप लोगों को अच्छा खासा पैसा देखने को मिल सकता है, निकाल सकते हो। दो वेबसाइट्स का नाम बताने वाला हूं, वहां पर लाइव उस वेबसाइट में लिखा है, कोई भी सिबिल की जरूरत नहीं, कोई भी क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है। और वो दो वेबसाइट्स कौन सा है वो इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ नाम देखोगे स्किप करके और आप लोग अप्लाई करने चाहोगे तो आप लोगों को सही तरीके से पैसा नहीं मिलेगा, रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये लोन एप्लीकेशन जो भी है वेबसाइट है इसमें आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या चीजें जो है ध्यान रखना होगा, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा, तभी आप लोगों को पैसा मिलेगा और बाद में दिक्कत भी नहीं आएगा। तो वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं वो जो दो लोन वेबसाइट्स कौन सा है जिसमें आप लोगों को पैसा मिलेगा और वो भी बिना सिबिल के। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को दो वेबसाइट्स का नाम बताने वाला हूं, जो कि सबसे पहला जो वेबसाइट है आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसका नाम है moneymate.in। ये जो वेबसाइट है इसमें आप लोग स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको देखने को मिलेगा कि नो सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड, नो क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड। तो इसके थ्रू आप लोग पैसा निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट देखने को मिल रहा है कि 4,000 से 60,000 तक मिलेगा, लेकिन आपको इतना उम्मीद रखना नहीं है। आप लोगों को सिर्फ जो है मिल सकता है 3 से 4 हजार के बीच में, वो भी मिल जाए तो बढ़िया है। और आप लोगों को यहाँ पर दूसरा लोन ऐप मतलब जो भी वेबसाइट है उसका नाम अगर बता दूं तो उसका नाम है क्रेडिटो 24, जो कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है। इसका वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा है और आप लोगों को यहाँ पर सेम उसी तरीके से दिखा रहे कि 40,000 तक जो है मिलने वाला है, लेकिन स्क्रॉलर जो है बहुत ज्यादा जो है उड़ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को इतना जो है उम्मीद रखना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ सोचना है कि पैसा जितना मिलेगा वही मैं उसी से मैं खुश हो जाऊंगा, उसी से है मुझे मिल जाए तो बस, मुझे और कुछ सही चाहिए नहीं, ऐसा जो है आपको सोच रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जो भी लोन एप्लीकेशन जो भी वेबसाइट के बारे में बताया दो नाम, तो ये जो भी है दावा कर रही है एनबीएफसी है और उसके एनबीएफसी भी रजिस्टर्ड है ऐसा लिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर एनबीएफसी है तो इसका प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन क्यों नहीं है? अगर एनबीएफसी होता तो ये प्ले स्टोर पर जरूर से जरूर होता, अगर आया होगा कभी भी, ये इसको गायब कर दिया। क्यों गायब किया? क्योंकि ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं है। जितना भी बोले कि एनबीएफसी है, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा ये एनबीएफसी है, ठीक है। यहां पर अगर सिविल स्कोर नहीं लग रहा है तो कोई भी एनबीएफसी ऐसा नहीं है कि सिविल स्कोर नहीं मांगता, ठीक है। तो सिविल स्कोर चाहिए ही होता है एनबीएफसी से अगर पैसा निकालना होगा तो, लेकिन ये फर्जी है इसलिए वहां पर बोला जा रहा है कि कोई भी सिविल स्कोर की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है अगर आपको अप्लाई करना है तो, अप्लाई करने से पहले ध्यान, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि ये फर्जी अगर है तो दिक्कत आपको होगा, आपका सारा चीजें फोन का चीजें जो है उनके पास चला जाएगा, तो दिक्कत आपको होगा किस तरीके से कि हैरेसमेंट करेगा, ब्लैकमेल करेगा, और वो 4,000 अगर मिले भी तो आपके जेब से कितना पैसा जो है निकाल लेगा वो बोलना मुश्किल है। अगर नहीं भी मिला तो भी आपके पैसे जो है जेब से निकाल लेगा वो लोग। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उसको आपको सही तरीके से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल को हटा दीजिए फोन से और उसका कॉपी रख के नंबर्स को चेंज कर दीजिए, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगा। सबसे मेन दिक्कत कॉन्टैक्ट डिटेल्स में होता है, क्योंकि अगर मानो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा तो वो किसको ब्लैकमेल करेगा, किस लेवल तक ब्लैकमेल करेगा, किसको फोटो मॉर्फ करके भेजेगा। तो यहां पर आपको डरना नहीं है। अगर मानो आपका नंबर तो आपने लॉग इन किया है आपका नंबर पे तो वो मैसेज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर आप फेंक दो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मानो वो डराता है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे जाके सारा जो है आपका नाम पे जो है गलत सलत बोल दूंगा, वो नहीं कर पाएगा। इससे आप लोग रिलैक्स रिलीफ हो जाओगे टोटली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि एनबीएफसी हो तो भी दिक्कत नहीं है, अगर फर्जी है तो ये चीज जो है आपको करना होगा, नहीं तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत आएगा। 2-3 दिन बाद से ही आपको दिक्कत आना चालू हो जाएगा, वो मैं आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हो तो ये चीजें जो है ये स्टेप्स आपको फॉलो करना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।